साथियों, जय जवान जय किसान, मैं आपका रवि आजाद। बड़ा विवाद पूरे देश में इस समय नीट के रिजल्ट का चल रहा है, और आप सबको पता है जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसी दिन नीट का रिजल्ट भी आया। विवाद ना हो, मुद्दा ना बढ़े, शायद इसीलिए नीट के रिजल्ट को 10 दिन पहले 14 जून की बजाय 4 जून को आउट किया गया। पहले नीट का पेपर लीक हुआ, अब रिजल्ट में धांधली नजर आ रही है, बड़ा गड़बड़ जाला नजर आ रहा है, और लाखों बच्चों का जो भविष्य है, जो मां बाप खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के सपने देखते हैं, उनके सपने इस रिजल्ट की धांधली ने तोड़ करके रख दिए हैं। और आपको जानकारी भी है कि 5 मई को नीट का पेपर हुआ, उससे पहले 9 और 10 अप्रैल को, यानी कि लगभग 24 दिन पहले विंडो खोला गया था। और बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि पहली बार 67 बच्चों ने 720 में से 720 नंबर लिए हैं, नहीं तो ये कभी भी 4 से ऊपर इनकी संख्या नहीं होती थी। और इस रिजल्ट में 8 बच्चे केवल एक कोचिंग सेंटर के हैं। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो एग्जाम की सरकारी एजेंसी है वो लगातार विवादों के बीच है, और इसमें बड़ा घोटाला नजर आ रहा है, इसकी सीबीआई से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। और जो विंडो खोला गया था 24 दिन पहले, ये आंकड़े सरकार जारी करे कि उस समय कितने बच्चों ने अपने फॉर्म अपलोड किए, उनमें से कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चों के नंबर 720 में से 720 आए हैं। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि ये डाटा बाहर आने चाहिए। केंद्र की सरकार की ये 100% जिम्मेवारी है कि वो देश के भविष्य, जो बच्चे हैं उनका शोषण ना करे, उनकी प्रतिभा के साथ खिलवाड़ ना करे, उनको धोखा ना दे। सरकार तत्काल प्रभाव से निष्पक्ष जांच करे, इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाए, और जो नजर आ रहा है कि बच्चों के साथ धोखा हुआ है उनको न्याय देने का काम किया जाए। अन्यथा जो भविष्य के डॉक्टर हैं और उनके समर्थन में जो दूसरे लोग खड़े हैं देश के, वो फिर सड़कों पे उतरने पर मजबूर होंगे। और ये बड़ा मुद्दा है, सरकार को तुरंत सामने आकर के दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें। सबका धन्यवाद। जय जवान जय किसान।